आज आपका इंडिया न्यूज 28 में आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। झारखंड की शिवलीबाड़ी में मां बेटी को डायन बताकर दी जा रही है जान से मारने की धमकी। शिवलीबाड़ी मुंडाधौड़ा में मां बेटी को डायन कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। बेटी शीला बारी ने संबंध में कुमार धोबी ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। धोड़ा के मिनी बांड्रा बबलू बांड्रा एवं भाजपा नेता प्रधान सोरेन के पुत्र विशाल सोरेन पर डायन प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। शीला ने पुलिस से कहा है कि एक साल पूर्व पड़ोसी बबलू बांड्रा के पिता व मां की बीमारी से मृत्यु हो गई। डायन का कहे इसका जिम्मेवार मुझे व मेरी माँ को ठहराया जा रहा है। कहता है कि मेरे माँ बाप को तुम माँ बेटी खा गई हो। मुझे एवं मेरी माँ को कटारी से गर्दन काट देने की बात करता है। चदरा समांड एवं भाजपा नेता प्रधान सोरेन का पुत्र विशाल सोरेन भी उन दोनों का साथ दे डायन कहता है। 6 माह पूर्व प्रताड़ित कर दिया गया था। गांव में बैठक कर दोनों को माफ कर दिया गया था। मौके पर मौजूद SDPO विजय कुमार कुशवाहा से रो रो कर गुहाई लगाई। कहा कि 18 नवंबर को ही कुमार दुबे पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। SDPO कुमार ने मामले को गंभीर बताया। OP प्रभारी को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। OP प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि शीला बारी ने लिखित शिकायत दी है, जाँच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अग्रकोण संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। आकर के 3 औरत था और 2 लड़का था और हथियार निकाल करके इट्टा पत्थर निकाल करके मार रहा तो बोला काट देगा तुम लोग माँ बेटी डाइन में। कौन लोग थे? वो लोग बाबलू बन रहा, बीनी बन रहा और प्रधान सोरेन का लड़का विशाल। कहाँ करने वाला? मुंडा दौड़ा था। तो क्या इसका शिकायत किया देता था ना मैं? शिकायत किया था तो हम आकर के तो मेरा शिकायत कहाँ कब किए थे? 18 तारीख को किया ना, 18 में 17 तारीख को किया था। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कार्रवाई नहीं किया था, एक खाली पुलिस गया था। तो आज SDPO सर साहब बोले, अभी वो क्या बोले? वही बोला कि हम नहीं जानते, वो लोग लिख रहा अभी।